हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ह्यूंडई एल्कज़ार और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का कंपैरिजन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप में से सिर्फ 16% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, बाकी के 84% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल को जल्दी 1K तक पहुंचाना है। बात करें इन दोनों कार्स के डायमेंशन की, तो ह्यूंडई एल्कज़ार में आपको 4500 mm की लेंथ मिलती है, वही इनोवा क्रिस्टा में आपको 4735 mm की लेंथ मिलती है। इसी तरह एल्कज़ार की विड्थ है 1790 mm, वही क्रिस्टा की विड्थ है 1830 mm। एल्कज़ार की हाइट है 1675 mm, वही क्रिस्टा की हाइट है 1795 mm। पर एल्कज़ार में आपको 2760 mm का व्हील बेस मिलता है, वही क्रिस्टा का व्हील बेस है 2750 mm। तो डायमेंशंस वाइज देखें तो क्रिस्टा में आपको एल्कज़ार से कहीं ज्यादा स्पेस मिलता है। बात करें इन दोनों कार्स के डायमेंशंस की, तो इनोवा क्रिस्टा में आपको R17 इंचेस के टायर्स मिलते हैं, वही एल्कज़ार में आपको R17 और R18 इंचेस के टायर्स मिलते हैं। बात करें इन दोनों कार्स के इंजन स्पेक्स की, तो एल्कज़ार में आपको एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, वही इनोवा क्रिस्टा में आपको एक 2.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। एल्कज़ार में आपको 20.4 kmpl का माइलेज मिलता है, वही इनोवा क्रिस्टा में आपको 15.1 kmpl का माइलेज मिलता है इन द मैनुअल गेयरबॉक्स। एल्कज़ार के ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स की टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। वही एल्कज़ार में आपको एक 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, वही क्रिस्टा में आपको एक 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। एल्कज़ार में आपको 14.5 kmpl का माइलेज मिलता है और क्रिस्टा में आपको 10.75 kmpl का माइलेज मिलता है इन द मैनुअल गेयरबॉक्स। ह्यूंडई एल्कज़ार आपको 6 और 7 सीट्स के कॉन्फ़िगरेशन के साथ अवेलेबल है, वही टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 6, 7 और 8 सीट्स के कॉन्फ़िगरेशन के साथ अवेलेबल है। बात करें इनके कुछ फीचर्स की, तो सबसे पहले देख लेते हैं एल्कज़ार के फीचर्स। तो एल्कज़ार में आपको एक 10.25 इंच की टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलती है विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। साथ ही में इसमें आपको ह्यूंडई की ब्लूलिंक कनेक्टिविटी भी मिलती है और इसमें आपको एक 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिलेगा। साथ ही में ह्यूंडई एल्कज़ार में आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग सिस्टम, एयर प्यूरिफायर, पैनोरामिक सनरूफ, LED लाइटिंग सिस्टम, फ्रंट रो सीटबैक टेबल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, वायरलेस चार्जर इन फर्स्ट एंड सेकेंड रो, फ्रंट रो स्लाइडिंग सनवाइजर्स, विंडो सनशेड्स और 8 स्पीकर प्रीमियम बोस ऑडियो सिस्टम मिलेगा। अब देख लेते हैं कुछ इनोवा क्रिस्टा के फीचर्स। तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में आपको एल्कज़ार से थोड़े कम फीचर्स मिलते हैं, जैसे 9 इंच की टचस्क्रीन सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, इंटीग्रेटेड एयर प्यूरिफायर, स्मार्ट एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इल्यूमिनेशन LED लाइट, सेमी डिजिटल MID, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर पार्सल ट्रे सेम लाइक एल्कज़ार, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। तो फीचर्स वाइज देखें तो एल्कज़ार में आपको इनोवा से कई ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों कार्स के सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी फीचर्स में ह्यूंडई एल्कज़ार में आपको 75% ऑफ हाई डेंसाइल स्क्रीन, सराउंड व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 6 एयरबैग्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। वही इनोवा क्रिस्टा के सेफ्टी फीचर्स देखें तो इनोवा क्रिस्टा में आपको ABS विथ EBD यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स, साइड डोर इंपैक्ट बीम्स एंड चाइल्ड लॉक, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। तो बात करते हैं इन दोनों कार्स के प्राइस की। तो ह्यूंडई एल्कज़ार की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 16.30 टू 19.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम न्यू दिल्ली, और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 16.26 लाख एंड गोस टिल 24.33 लाख रुपीज एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। तो बात है वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे कि आपको इन दोनों में से कौन सी कार प्रेफर करनी चाहिए। तो किसी ने अभी तक एल्कज़ार की ड्राइव नहीं की है तो इसीलिए हम एल्कज़ार की ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर कुछ कह नहीं सकते, पर अगर आपको एक फीचर लोडेड और एक कंफर्टेबल कार चाहिए तो आप एल्कज़ार की तरफ जा सकते हो। और एल्कज़ार क्रिस्टा से थोड़ी स्पोर्टी भी दिखती है, पर अगर आपको एक मिनिमल लुकिंग और एक रिलायबल कार चाहिए जिसे आप लाखों लाखों किलोमीटर और सालों सालों तक चला सकते हो, सो यू कैन गो फॉर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। तो यही था आज की इस वीडियो में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई थी, या आपको टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और XUV700 ज्यादा पसंद है, तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।